सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको प्रोफेसर बलवीर कौर जी ने परमेश्वर ने अद्भुत तरीके दे नाल अपनी सेवा दी बुलाहट दिती। उन्होंने अपना जीवन, अपना कैरियर, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छड़ के प्रभु की सेवा शुरू किया। ये सेवकाई पंजाब की धरती ते प्रभु येशु की दया की अद्भुत मिसाल है। प्रभु अपनी दासी नू चंगयाई ते भविखबाणी दे द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र ते सामर्थी नाम दे विच मेरे वल्लों तुहानू सारिआं नू जय मसीह दी। मैं प्रोफेटस बलवीर रोशनी की किरण मिनिस्ट्री वालों यीशु दे नाल दिल दी गल प्रोग्राम विच तुहाडा स्वागत करदी आ। अज यकीनन तुहानू प्रभु ब्लेस करेगा, बहुत सारी आशीष दे नाल भरेगा। मेरा विश्वास है कि अज इस वचन दे द्वारा तुहाडीआं जिंदगीआं तब्दील होणगीआं। आज ही प्रार्थना के द्वारा थोड़ी जिंदगी सेफ नहीं रहेगी और यकीन आज खुदा तुहानू ब्लेस करेगा। मेरे जो आज मैं तुहानू दसना चाहती हाँ कि बाइबल का परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। बिना विश्वास तो परमेश्वर नू प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल दे विच जिन्ने भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह दे कोल आए, बीमारियां लेके आए, लंगड़े आए, अंधे आए, कई कई तरह दियां दुष्ट आत्मा नाल जकड़े हुए, परेशानियां नाल फसे हुए लोग आए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने एक ही गल कही, कहिंदे जा, तुहाडे विश्वास ने तुहानू चंगा कीता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहुंदे ने कि जो भी व्यक्ति उन्होंने कोल आवे उन्हें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, उन्हें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह है, उन्हें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह साड़ियां प्रार्थनावां नूं सुनदा है। क्योंकि बिना विश्वास तो प्रभु यीशु मसीह नूं प्रसन्न करना अनहोना है और विश्वास साड़ियां जिंदगियां दे विच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर असी प्रार्थना करते हैं तो सानूं विश्वास होना चाहिए कि साड़ी प्रार्थना सुनी जाती है। अगर असी विश्वास नहीं करते हैं तो फिर साड़ी प्रार्थना करन दा कोई उत्तर सानूं उत्तर नहीं मिलेगा, कोई अर्थ नहीं रह जाता जो असी बिना विश्वास तो प्रार्थना करते हैं। सारा विश्वास होना चाहिए। हुण विश्वास की है? सब तो पहले विश्वास करन तो पहले सानू यह पता होना चाहिए कि विश्वास की है। इब्रानियां 11 और 1 वचन दे विच लिखिया, विश्वास अनदेखी वस्तुआं का परिणाम है। मतलब कि जो काम नहीं होया उत्ते विश्वास कर लेना कि वह जरूर होगा, वह साडा विश्वास है। या दूजे सिंपल शब्दों के जो मैं तुहानू समझावा तो विश्वास की है, जिहड़ी चीज़ तुहानू दिखाई नहीं दिंदी वह तुहाडा विश्वास है। जो तुसी देख रहे हो वह तुहाडा विश्वास नहीं है, जो तुहानू दिस नहीं रहा वह तुहाडा विश्वास है। विश्वास साडीआं जिंदगियां दे विच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह कि मान लो तुहानू कैंसर की बीमारी है या फिर तुहाडे पेट के विच कोई प्रॉब्लम है, तुसी प्रार्थना करवाई है लेकिन तुहाडी पेट की जिहड़ी समस्या है तुहानू विश्वास है कि तुसी चंगे हो चुके हो, पर स्टिल तुसी अपने पेट के विच दर्द महसूस करते हो और जिहड़ी पेन तुहानू हो रही है तुहाडा ध्यान उधर चला जाता है कि मेरे स्टिल दर्द हो रही है और तुहाडा विश्वास तुहानू की कहिंदा तू चंगा हो चुका है। यही विश्वास है। जो नहीं होया उत्ते फेथ कर लेना, तुहाडी दर्द नहीं गई पर तुसी फेथ कर लेना कि दर्द चल चुकी है, वो स्टिल फील हो रही है, वो स्टिल तुहाडी बॉडी दे विच वर्क कर रही है, फिर भी तुसी यह विश्वास करना कि वो डिसअपीयर हो चुकी है। नहीं हुई फिर भी फेथ करना, क्योंकि जो तुसी विश्वास करोगे तुसी अपनी लाइफ के मिरेकल देखोगे, तुसी अपनी लाइफ में चमत्कार देखोगे। चमत्कार हासिल करने का एक तरीका है, चमत्कार होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं
मैं एक मीटिंग में गया, मैं दूसरी मीटिंग गया, मैं तीसरी मीटिंग गया, मैं एक पास्टर के चर्च गया, मैं दूजे पास्टर के चर्च गया, परंतु मैं हीलिंग नहीं मिली, मैं मेरेकल नहीं मिले, मैं चंगा ही नहीं मिली। मैं देखा लोग चंगे हो रहे थे, मैं देखा लोगों की लाइफ में गवाइया हो रही थी, परंतु मेरी लाइफ में गवाई क्यों नहीं है? वह एको एक कारण है, थोड़ा फेथ। अगर तुम्हें विश्वास है, तुम रिसीव कर पाओ चीज, आमीन के रिसीव करो, फेथ करो कि यह ऐसे होएगा, ये ऐसे होएगा, जबकि वह नहीं हो चुका, स्टिल तुम उस प्रॉब्लम के लिए हो, पर तुम फेथ कर दो कि नहीं, मैं इस प्रॉब्लम चो बाहर आ चुका। तुसी बाहर नहीं आए हो फिर भी तुसी विश्वास कर दे, ऐ थोड़ा विश्वास है, ऐ थोड़ा फेथ है। और बिना विश्वास तो परमेश्वर को प्रसन्न करना अणखोणा है। परमेश्वर शक वाले विश्वास को पसंद नहीं करता। परमेश्वर एवो जिहा विश्वास नहीं चाहिए जिस विच शक हो। मरकुस दे 9 और 23 वचन दे विच एक व्यक्ति के बारे जिक्र किया गया है। ऐडा व्यक्ति है, यह अपने बेटे को प्रभु यीशु मसीह के कोल लेके आया, इसके बेटे को समस्या है। लेकिन जो यीशु मसीह के कोल आया, इन्हें यीशु मसीह ने कहा, जे तू कर सकता तो तरस कर मेरे पुत्र से उन्हें चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने आंसर किया कि जे तू कर सकते ना, जे तू कर सकता, ऐसा की अर्थ है? विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे जिहड़ा तेरा पुत्र है, उसकी समस्या इन्नी वड्डी नहीं है कि जिन्हों मैं ठीक ना कर सकता, जिन्हों मैं हल ना कर सकता। लेकिन प्रॉब्लम की है कि वह बंदा की कर रहा, शक कर रहा है। वो अंदर फेथ तो है, क्योंकि जो वो अंदर फेथ ना होता तो कभी यीशु मसीह के कोल ना होता। उन्होंने विश्वास तो है कि यीशु मसीह चंगा करता है, उन्होंने भरोसा है कि यीशु मसीह ठीक करता, परंतु शक लैके आता। जिदा साढ़े में बहुत सारे लोग इदा ही करते हैं, चर्च आते हैं, रोजे भी रखते हैं, दुआ भी करवाते हैं, परंतु उन्होंने अंदर स्टिल शक काम करता। करवा के देख लें प्रार्थना, रोजा रख के देख लें प्रार्थना, अपने अपने दास को अपनी प्रॉब्लम दस के देख लें, हो सकता काम हो जाए, हो सकता कि सानू बरकत मिल जाए, हो सकता कि सारी प्रार्थना सुनी जाए, हो सकता की मतलब है। तुसी विश्वास रखो, अटल विश्वास, पक्का विश्वास, एक एक मजबूत विश्वास। और वो विश्वास की है कि होगा यीशु मसीह के नाम में, और रिसीव करना तुसी। पेट में समस्या है, मेरे विश्वास है कि यीशु मेरे चंगा कर चुका है, तुसी फेथ करो। तुसी अपनी रिपोर्ट्स, इंसान एक बीमार है, पर रिपोर्ट्स ने वह दस दी भी कि उन्होंने बीमारी है। तो जो कलाम पढ़ता है, वचन पढ़ता है, वो लिखा हुआ कि मेरे कूड़े खाना तुम चुके हो चुके हो। यीशु मसीह साड़िया बीमारियां 39 कूड़े खा चुका है, और सानू फेथ करना कि वो लहू के द्वारा साढ़े अंदर चंगाई है, ये साडा विश्वास है। परंतु डॉक्टर की कह रहे थोड़ा कैंसर है, डॉक्टर कह रहा कि थोड़ा चीबी की समस्या है, डॉक्टर की कह रहा है तुहाडे ब्लड दे विच शुगर है, रिपोर्ट्स कह रही ने कि तुहाडे यूट्रस दे विच रसौलियां ने, रिपोर्ट्स कह रही ने कि तुसी चंगे नहीं हो सकते हो, डॉक्टर कह रहा है कि तुहाडी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, परंतु साडा फेथ है कि यीशु मसीह का ब्लड, यीशु मसीह का लहू सानू चंगा करता है, यह साडा विश्वास है। तो जब असीं ऐसा का विश्वास लैके प्रभु यीशु मसीह के कोल आवांगे, तो यकीनन प्रभु यीशु मसीह सानू ब्लैस करेगा। फिर असीं सेम नहीं रहांगे, फिर सारियां परिस्थितियां बदल जाणगियां, फिर सारी लाइफ बदल जाएगी। वचन दे विच उस 12 साल की रोकण के बारे लिखा गया है, एक भी रोकण औरत सी, 12 साल तक उन्हें लहू पै रहा है, और लहू पैने करके बहुत एक कमजोर हो चुकी थी, बहुत सारे डॉक्टर को गई, इन्हें अपना सारा पैसा गवा दिता सी, पर इन्हें चंगाई नहीं मिली। और पर इन्हें एक विश्वास से, इन्हें विश्वास किया कि जो मैं यीशु मसीह के कोल जावांगी, जरूरी नहीं कि यीशु मसीह मेरे पर हाथ रखे तो दुआ करे तो मैं चंगी हूँ। उन्हें विश्वास किया, वो कहते जी उन्होंने मेरे हाथ रखे या ना रखे, परंतु जे मैं उन्होंने जाके मैं पल्ले जाके छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि वो अंदर एक पक्का विश्वास ही, मतलब उन्हें ठान ली है गल। उन्हें यह नहीं सोचा भी मैं जाके देखती हाँ, मैं डॉक्टर को भी गई हाँ, उतो तो मैं चंगी हो ही नहीं, तो चलो मैं एक बार जाके देख लेंगी भी मैं ठीक होगी या नहीं होगी। उन्हें यह नहीं किया, उन्हें एक विश्वास रखा, और कहती कि मैं जो यीशु मसीह को जाऊंगी, अगर यीशु मसीह ने मेरे प्रार्थना करती तो ठीक है, अगर यीशु मसीह ने मेरे लिए प्रार्थना ना भी की तो मैं जस्ट वो कपड़े को जाके छूंगी, और जिदा ही मैं वो कपड़े को जाके छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और बाइबल में लिखा वो विश्वास ने उन्होंने चंगा कर दिता, उन्हें यीशु मसीह के कपड़े को जाके छूया,
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੂਇਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਾਈਜ਼ ਅਪ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਜੇ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਅਟਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂਸਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੂਸਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਠੋਰ ਔਰ ਇੱਕ ਕੱਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੁਝ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਛਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੋ ਫੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਹਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੇਵਲ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ, ਅਗਰ ਏਡਸ ਦੀ HIV ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ HIV ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਹਟਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪਵਨ ਚੌੜਾ ਕਦੇ ਚੇੜ ਹੀ ਲਾਣ,
जो प्रार्थना में बैठना उदो कदे चे नहीं लगे, पता नहीं खाऊगा या नहीं खाऊगा। यह गल अपनी जिंदगी की डायरी के कट दौ अगर तुम्हें विश्वास है तो होके रहेगा। इब्राहिम ने विश्वास दे परमेश्वर ने प्रोमिस किया, इब्राहिम मैं तेनों एक पुत्र देवगा। इब्राहिम 100 साल का बुढ़ा हो गया परंतु इब्राहिम विश्वास करता तो फेद करता से कि यस मैं प्रभु आशीषित करेगा। हूँ इतने एक सोचने वाली गल है कि इब्राहिम ने वाला काम किया या परमेश्वर ने वाला काम किया। इब्राहिम ने तो जस्ट फेद किया, विश्वास किया। हूँ एक 100 साल का बुढ़ा है, एक 90 साल की एक बुढ़ी औरत है। तुम्हें पता जो इंसान बुढ़ा होंगे वो हारमोनस चेंज होंगे, जो फिजिकली बहुत सारिया चीज़ों के चेंजस आती है। हूँ एक बुढ़ा व्यक्ति है और एक बुढ़े व्यक्ति को पिता बनना है, एक बुढ़ी औरत है 90 साल की बुढ़ी औरत है उन्होंने बच्चा देना है। यह हम इब्राहिम और सारा तो फेर करके बैठे है कि परमेश्वर ने सू ब्लैश करना, परमेश्वर ने सू ब्लैश करना। और सब तो मुश्किल काम कि उस परमेश्वर का कि परमेश्वर ने उन्होंने विश्वास का किदा आदर करना है और उस 90 साल की बुढ़ी औरत को किदा बच्चा देना है। यह परमेश्वर का काम है। तो साडा फेथ जिहड़ा कोई बहुत अगर असं विश्वास करते हैं तो यह कोई असं बहुत वड्डा काम नहीं कर रहे कि असं फेथ करते हैं, असं फेथ करते हैं क्योंकि जो असं फेथ करते हैं परमेश्वर साडा आदर करता, परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर देखता है सानू कि मेरे बच्चे फेथ कर रहे हैं, मेरे बच्चे विश्वास कर रहे हैं तो मैं इन्होंने लाइफ के चमत्कार करना ही पैना है। सो मेरे अजीजों अज मैं तुम्हें दसना मांगती हाँ कि तुम फेथ करो, तुम विश्वास करो, शक ना करो। तुहाडा शक तुहाडीआं बरकतां नूं रोक देगा, तुहाडा शक बहुत सारे चमत्कारां नूं रोक देगा, तुहाडा शक बहुत सारियां तुहाडीआं जीवन दीआं जो परमेश्वर ने योजनावां तुहाडे वास्ते बणाईआं होईआं उह तुसीं स्टॉप कर दोगे। इस करके अज मैं तुहानूं दसना चाहुंदी हां कि विश्वास करो, विश्वास करो ते अनदेखी उन्हां चीज़ां नूं अपने जीवन च हासिल करो। अनदेखियां चीज़ां नूं, वह चीज़ां जिन्हां दी तुसीं कल्पना नहीं कर सकते हो, वह चीज़ां जिन्हां दे बारे तुसीं कदे सोच भी नहीं सकते हो सकता अज तुसीं एक गरीबी दे समें चों गुजर रहे हो सकता अज तुसीं बेरोजगार हो सकता अज तुसीं बीमार हो, तुसीं निराश हो, तुहानूं रिजैक्ट कर दिता गया है, तुहानूं लग रहा है कि तुहाडी लाइफ नूं खत्म हो चुकी है, तुहानूं लगता है कि हुण तुहाडे जीवन का कोई भी होप्स तुहाडे कोल, हुण तुहाडे जीवन की कोई होप तुहाडे कोल नहीं है, तुहानूं सामने छड्ड दिता है, तुहानूं लगता है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिता, तुहानूं लगता है कि हुण अंधकार दे विच तुसीं फस चुके हो, तुहानूं लगता है कि हुण सब कुछ खत्म हो चुका। अज भी तुहाडी जिंदगी नवे सिरे तों शुरू हो सकती है और किदां होएगी जो तुसीं फेथ करोगे, जब तुम विश्वास करोगे तुम कहोगे यस यहोवा परमेश्वर मैं तेरे ते विश्वास करता, यीशु मसीह मैं तेरे ते विश्वास करता कि तू मेरे लाइफ में ब्लेस कर सकता प्रभु, तू मेरी जिंदगी में चेंज कर सकता। जो तुम इतना फेथ करोगे तुम बड़े बड़े काम अपने जीवन में देखोगे। अज मेरे अजीजो मैं तुम्हें यही दसना चाहती हाँ विश्वास के नाम परमेश्वर के कोल बरकत लई जा सकती है, विश्वास नाल तुसी अपनी परिस्थितियां बदल सकते हो, विश्वास नाल तुसी चमत्कार ले सकते हो। सो खुदा अष्टवन महीना वचन के उत्ते बरकत और आशीष देवे। यकीन मैं विश्वास है कि अज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने तुहाडी जिंदगी छूया और ब्लैस किया और मैं विश्वास करती हाँ कि तुसी खुदा के उत्ते अज तो विश्वास करोगे। और अगर तुहाडे अंदर शक है तो अज उस शक नूं तुसी अपने दिलों चों कढ़ दो, रिमूव कर दो और फेथ करना शुरू करो क्योंकि फेथ दे नाल ही तुसी अपनी बरकतां नूं प्राप्त कर सकते हो। सो खुदा तुहानूं सारिआं नूं ब्लेस करे। तुसी अज विश्वास का वचन सुनिया है और विश्वास तुहाडीआं जिंदगीआं दे विच मिरेकल करता है। और अज जदों मैं हुण तुहाडे वास्ते प्रार्थना करांगी तो तुसी विश्वास करना कि विश्वास दी कीती प्रार्थना सचमुच वड्डे वड्डे काम करदी है। अज मैं तुहाडे नाल विश्वास दे नाल प्रार्थना करन जा रही ते मैं चाहूंगी कि तुसी भी मेरे नाल विश्वास की प्रार्थना करो क्योंकि विश्वास की प्रार्थना चमत्कार पैदा करती है। सो आई आप प्रार्थना करांगे। अज स्वर्गीय पिता मैं थोड़े सामर्थी के पुत्र नाम विच दुआ करती हाँ, जिन्हें भी परमेश्वर अज मैं लोग देख रहे हैं मैं चाहती हाँ प्रभु जी एक एक जिंदगी दे विच रजला लावे और एक एक रूह तेरे नाम दे विच बचे प्रभु जी, एक एक जिंदगी प्रभु तेरे नाम विच अभिषेक नूं हासिल करे, एक एक जिंदगी दे विच प्रभु तेरी सामर्थ आवे, एक एक रूह प्रभु तेरे नाम विच ब्लैस होवे और जिन्हें बीमार ने तेरे नाम विच चंगे हो जाए। खास करके प्रभु जी जिन्हां लोकां दे अंदर अविश्वास की आत्मा है, जिन्हां दे अंदर प्रभु विश्वास की कमी है, मैं चाहुंदी हां पिता परमेश्वर तेरे नाम दे विच प्रभु जी तेरे लोकां दे अंदर प्रभु विश्वास पैदा होवे और तमाम शैतान के बंधन तेरे लोगों के जीवन विचों खत्म हो। और खास करके मैं दुआ करती हूँ जिन्हें बीमार अच्छ मैं देख रहे हैं तेरे सामर्थी के पवित्र नाम के प्रभु, मेरी प्रार्थना है मेरी बेनती है प्रभु जी कि तेरे
परमेश्वर लोग आज बीमारी तो आजाद होकर छुटकारे हासिल कर पिता और खास करके प्रभु जी मैं चाहती हूँ प्रभु जी आज एक एक व्यक्ति प्रभु तेरे नाम तो बचाया जावे प्रभु जी हर एक जिंदगी प्रभु आज तेरे नाम विच ब्लेस होवे खुदा और जिन्हें भी परमेश्वर आज परिवार देख रहे हैं मैं परिवार नु शांति आनंद और खुशी दे नाल प्रभु जी भरन वास्ते दुआ करती हूँ हर एक जन प्रभु मैं तेरे नाम विच ब्लेस करती हूँ हर एक व्यक्ति मैं तेरे नाम विच ब्लेस करती हूँ हर एक रूह मैं तेरे नाम विच ब्लेस करती हूँ और मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदा हर एक व्यक्ति प्रभु आनंद और खुशी के नाम पर खुदा और तेरी सामर्थ और तेरी दया तेरे लोगों पर हो खास करके मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर जिन्हें भी लोग फाइनैंशियली प्रॉब्लम में हैं तुसी आज परमेश्वर एक एक नु फाइनैंशियली ब्लेस करो प्रभु जी जिन्हें बेरोजगार ने प्रभु उन्होंने चंगे रोजगार दो पिता परमेश्वर और जिन्हें घर के प्रभु बच्चे का वरदान नहीं उन्होंने घर परिवार को बरकत दो पिता परमेश्वर जी जिन्हें परिवार से लड़ाई झगड़ा रहता प्रभु उन्होंने परिवार को आज आशीषित कर दो प्रभु जी थोड़ी सामर्थ थोड़ा अनुग्रह थोड़े लोगों से बनया रहे अज मैं चाहनी हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति विश्वास के नाल भर जाए प्रभु और विश्वास के द्वारा इन्हें लाइफ में शब्द कर पवे तुसी सारे ने अपने शरीर के उस हिस्से को छूना जिथे कोई बीमारी है विश्वास के नाल टच करना और विश्वास के नाल कीती गई प्रार्थना के द्वारा चमत्कार होएगा मैं यीशु मसीह के नाम दे विच दुआ करती हाँ जिन्हें भी व्यक्तियों ने अपने शरीर के उस हिस्से छूया है जिथे बीमारी है राइट नाम उस जगह उत्ते थोड़ा ब्लड रिलीज करके और हुक्म करती हाँ ये बीमारियां इस शरीर को छड़ के छलियां जाए यीशु मसीह के नाम पर और चंगाई उतरे और तेरे लोग बरकत हासिल बरकत अनु हासिल कर सकन मैं इस प्रार्थना मांगती हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम विच आमीन आमीन यकीनन आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने थोड़ी लाइफ में चमत्कार किया है और मुझे विश्वास है कि खुदा ने आज पर छुया है सो अगले शुक्रवार मैं दोबारा फिर थोड़े नाल परमेश्वर का वचन लैके रूबरू होवांगी तद तक खुदा तुहानू संभाल के रखा है खुदा तुहानू ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह